तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान एक्सप्रेस 2.0 में। कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरीके से कर रहे होंगे दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली पुलिस ड्राइवर से संबंधित जो टॉपिक थे उसमें लास्ट क्लास में हमने जो मोटर वाहन अधिनियम 1988 और मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 उसको देखा था दोस्तों। अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा, तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है। इसमें दोस्तों हमने लास्ट वाली क्लास में भी देखा था कि इसमें जो वाहनों को रिकॉल करना, गुड सेमेरिटन जो व्यक्ति है उनके बारे में, और मुआवजे की राशि बढ़ा दी गई है दोस्तों हिट एंड रन के मामले में। तो और एक सरकार, केंद्र सरकार है, वो गोल्डन आवर के दौरान कैशलेस इलाज मुहैया करवाएगी दोस्तों। तो ये सब कुछ हमने लास्ट वीडियो में हमने देखा था। आज की वीडियो में क्या करेंगे दोस्तों, जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम है 2019, इसमें जो जुर्माने की राशि है दोस्तों वो बढ़ा दी गई है। जो 1988 अधिनियम है उसमें जुर्माने की राशि थी वो कम थी, और अब जो संशोधन अधिनियम जो 2019 वाला है इसमें जो जुर्माने की राशि है यातायात नियमों का अगर आप उल्लंघन करेंगे तो उसमें जुर्माने की राशि दोस्तों बढ़ा दी गई है। ठीक है, तो इसका मैंने सब कुछ नोट डाउन कर रखा है, ये चार्ट बना रखा है टोटल बोर्ड पे। तो जो नई जुर्माने की राशि है वो क्या है दोस्तों, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों, एग्ज़ाम में एक दो क्वेश्चन जुर्माने से ज़रूर आएगा, या तो 1988 वाला जुर्माना पूछ ले या 2019 वाला जो नए जुर्माने लगे हैं। दोस्तों, ये जुर्माना है, ये जो मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है ये दोस्तों 1 सितंबर 2019 को लागू हो गया था। तो ये जो यातायात नियम का उल्लंघन करने वालों पर ये जुर्माना है ना, ये नई जो राशि है जो दरें बढ़ाई गई थी जुर्माने की, यहाँ पे ये है टोटल। तो ये जो राशि बढ़ाई गई थी जुर्माने की तो ये 1 सितंबर 2019 को लागू हो गई थी दोस्तों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नई जुर्माने की राशि क्या है दोस्तों। अगर दोस्तों वीडियो पर आप नए हैं, चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 है, इसमें नई जो जुर्माने की राशि बढ़ाई गई है वो कितनी क्या बढ़ाई गई है, और कौन कौन से इसमें दंड के प्रावधान हैं, और दोस्तों कितनी क्या राशि हो सकती है, तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं दोस्तों सीट बेल्ट। अगर दोस्तों सीट बेल्ट है, इसमें पहले जुर्माने की राशि दोस्तों 100 रुपये थी। ठीक है, अब उसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों, 1000 रुपये। मतलब ये जो नई जुर्माने की राशि है मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये दोस्तों 1 सितंबर 2019 से लागू हो गई थी दोस्तों। तो सीट बेल्ट अगर आप नए पहने हुए हो तो पहले 100 रुपये थी, और अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है दोस्तों, 1000 रुपये कर दी गई है। ठीक है, अगर आपने सीट बेल्ट नहीं पहना तो अब आपको जुर्माने की राशि कितनी देनी पड़ेगी, 1000 रुपये देनी पड़ेगी। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों हेलमेट। हेलमेट में पहले जो जुर्माने की राशि थी वो थी दोस्तों 100 रुपये। ठीक है, अब इसको बढ़ाकर क्या कर दिया गया है दोस्तों, 1000 रुपये कर दिया गया है, और 3 माह तक लाइसेंस रद्द होगा। दोस्तों, अगर आप बाइक चलाते समय आपने हेलमेट नहीं पहना तो पहले जो जुर्माने की राशि वो 100 रुपये थी, अब इसको बढ़ाकर कितनी कर दी गई है, 1000 रुपये कर दी गई है, और 3 महीने तक दोस्तों आपका लाइसेंस है वो क्या रहेगा, रद्द होगा दोस्तों। तो ध्यान रखना दोस्तों, अगर आप बाइक पे ड्राइव कर रहे हो तो हेलमेट ज़रूर पहने दोस्तों, ये आपकी सेफ्टी के लिए है। ठीक है, आगे हम बात करें तो दोस्तों आगे हम बात करें 3 नंबर पे है दोस्तों, इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं।
दोस्तों इमरजेंसी को इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं देने पर क्या जुर्माना है? पहले दोस्तों ये 0 रुपये था, मतलब पहले कोई जुर्माना नहीं था इमरजेंसी वाहनों पर, इमरजेंसी वाहनों पर पहले कोई जुर्माना नहीं था, लेकिन अब कितना कर दिया गया है दोस्तों? 10,000 रुपये। ठीक है, 10,000 रुपये का आपको फाइन देना पड़ेगा और 6 माह तक आपको जेल भी हो सकती है अगर आप इमरजेंसी वाहनों को रास्ता नहीं दे रहे हो तो। इमरजेंसी वाहन मतलब जैसे एम्बुलेंस हो गई, ठीक है, तो इस प्रकार के जो इमरजेंसी वाहन है अगर आप उनको रास्ता नहीं दे रहे हो तो आपको 10,000 रुपये का आपका चालान कटेगा और 6 माह की आपको जेल भी हो सकती है दोस्तों, तो ध्यान रखना। आगे हम बात करें, आगे है दोस्तों 4 नंबर पॉइंट है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाना। अगर आप बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहे हो तो क्या कुछ जुर्माना था पहले और अब कितना हो गया है? 1 सितंबर 2019 से ये लागू हो गए थे नए जुर्माने, तो अब क्या कुछ है? तो देखिए, बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चला रहे हो तो पहले जुर्माना था दोस्तों 500 रुपये। ठीक है, अब इस जुर्माने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? 5,000 रुपये। अब आपको 5,000 रुपये देने पड़ेंगे दोस्तों अगर आप बिना लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हो तो। ठीक है, आगे हम बात करें दोस्तों 5 नंबर पे, ड्राइविंग लाइसेंस रद्द होने के बावजूद गाड़ी चलाना। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस रद्द हो गया फिर भी आप गाड़ी चला रहे हो तो पहले जो जुर्माना था ये 500 रुपये था। पहले जुर्माना कितना था? 500 रुपये था। अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? 10,000 रुपये कर दिया गया है दोस्तों। अब कितना देना पड़ेगा आपको जुर्माना? 10,000 रुपये देना पड़ेगा, जबकि पहले कितना था दोस्तों? ये 500 रुपये था। ठीक है, तो 10,000 रुपये आपको देने पड़ेंगे। आगे हम बात करें 6 नंबर पे, ओवर स्पीड। अगर आप ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हो, ओवर स्पीड में गाड़ी चला रहे हो तो दोस्तों पहले ये जुर्माने की राशि 400 रुपये थी। पहले कितनी थी? 400 रुपये। लेकिन अब कितनी कर दी गई है? अब 1,000 रुपये कर दी गई है दोस्तों। किसके लिए? LMV के लिए, मतलब लाइट मोटर व्हीकल। लाइट मोटर व्हीकल के लिए कितनी कर दी गई है दोस्तों? 1,000 रुपये का आपका जुर्माना लगेगा। वह 2,000 रुपये किन के लिए है दोस्तों? मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए। ये अलग अलग जुर्माने की राशि है। 1,000 रुपये है दोस्तों लाइट मोटर व्हीकल के लिए, 1,000 रुपये का जुर्माना देना पड़ेगा, और 2,000 रुपये देने पड़ेंगे दोस्तों मीडियम पैसेंजर व्हीकल के लिए। ठीक है, आगे हम बात करें अगले पॉइंट की, पॉइंट नंबर 7, खतरनाक तरीके से गाड़ी चलाना। अगर आप खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हो, मतलब कैसे? ऐसे वो वीडियो आते हैं ना, दुर्राटक काट रही है, वैसे आप गाड़ी चला रहे दुर्राटक आते हुए, तो आपको दोस्तों भारी फाइन देना पड़ सकता है, भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कैसे दोस्तों? पहले जो था वो 1,000 रुपये थे दोस्तों, पहले जुर्माना 1,000 रुपये था, अब आपको कितना देना पड़ेगा? 5,000 रुपये देना पड़ेगा अगर आप अपनी बाइक या गाड़ी को दुर्राटे कटा रहे हो तो, मतलब खतरनाक तरीके से गाड़ी चला रहे हो तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? 5,000 रुपये का फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करें 8 नंबर पॉइंट पे, शराब पीकर गाड़ी चलाना। अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, मतलब शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, तो आपको पहले जो जुर्माना था दोस्तों ये 2,000 रुपये था, लेकिन अब इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों? अब इसको बढ़ाकर कर दिया गया है दोस्तों 10,000 रुपये। ठीक है, अगर आप शराब पीकर गाड़ी चला रहे हो, मस्ती से ड्रिंक कर ली और फिर गाड़ी चला रहे हो, तो पहले आपका जुर्माना 2,000 रुपये था, लेकिन अब हो गया है दोस्तों 10,000 रुपये। तो ध्यान रखना दोस्तों, ड्राइव करते वक्त कोई भी ड्रिंक ना करे, मतलब शराब ना पिए। ठीक है, तो अगर आप शराब पी रहे हो तो ये तो जुर्माना है दोस्तों। ठीक है, ये आपके जीवन के लिए भी खतरनाक है, तो ध्यान रखें, शराब पी रहे हो तो आप गाड़ी ना चलाएं, ड्राइव ना करें, नहीं तो भारी भरकम जुर्माने का आपको सामना करना पड़ सकता है दोस्तों। ठीक है, तो कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 10,000 रुपये आपको फाइन देना पड़ेगा। ठीक है, आगे हम बात करें 9 नंबर पॉइंट पे, ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात करना। ड्राइविंग के दौरान मोबाइल से बात कर रहे हो तो पहले ये जुर्माना था दोस्तों 1,000 रुपये। पहले कितना था? 1,000 रुपये, लेकिन
अब इस जुर्माने की राशि को कितना कर दिया गया दोस्तों, 5,000 रुपये कर दिया गया दोस्तों। तो अगर आप ड्राइविंग कर रहे हो, ठीक है, बाइक पे कर रहे हो या गाड़ी पे कर रहे हो, और फिर आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, ठीक है, एक हाथ से गाड़ी चला रहे हो और मोबाइल का यूज़ कर रहे हो, तो पहले जो जुर्माने की राशि थी ना, ये 1,000 रुपये थी, अब कितनी हो गई है, 5,000 रुपये हो गई है। तो दोस्तों ड्राइव करते समय मोबाइल का यूज ना करें, कितना भी जल्दी हो या किसी का फ़ोन आ रहा हो सड़क के किनारे, बाइक को लगाएं या गाड़ी को लगाएं साइड में करके, और फिर आप मोबाइल से बात कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना, ड्राइव करते समय आप मोबाइल का यूज़ ना करें, चाहे किसी का भी फ़ोन आ रहा हो, चाहे आपकी जीएफ का आ रहा हो, चाहे किसी का भी आ रहा हो, कितना भी अर्जेंट हो, चाहे कितना भी गुस्सा हो जाए हो, आपको कुछ नहीं, आपको क्या करना है, या तो आपको साइड में लगा के आपको बात करनी है, या आप अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच के आप बात करें, नहीं तो आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। कितना रुपये, 5,000 रुपये आपको फाइन लग सकता है, ठीक है। आगे हम बात करें अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 10, बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाना। अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हो तो ये जुर्माने की राशि पहले थी दोस्तों 1,000 रुपये, पहले कितनी थी, 1,000 रुपये थी, अब ये कितनी कर दी गई है दोस्तों, 2,000 रुपये कर दी गई है। अब जुर्माने की राशि को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है, 2,000 रुपये, अगर आप बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चला रहे हो तो, ठीक है। तो दोस्तों आगे हम बात करें पॉइंट नंबर 11, पैसेंजर की ओवरलोडिंग। पैसेंजर की ओवरलोडिंग है तो पहले दोस्तों कुछ नहीं था, लेकिन अब कितना है, 1,000 रुपये प्रति पैसेंजर। दोस्तों पैसेंजर की ओवरलोडिंग मतलब आप जैसे बस हो गई, जो पैसेंजर गाड़ी आती है ना, बस हो गई, जो छोटी गाड़ी आती है, तो ये जितनी भी जो पैसेंजर वाली गाड़ी हैं, तो इनमें अगर आप ओवरलोडिंग कर रहे हो, इनमें सीट निर्धारित होती हैं, जैसे जैसे बस के हिसाब से सीट निर्धारित होती हैं, अगर आप इनमें ज़्यादा यात्री ठूंस रहे हो, ठीक है, ज़्यादा यात्री भर रहे हो, तो प्रति पैसेंजर आपको कितने रुपए का फाइन देना पड़ सकता है, 1,000 रुपये। अगर आपने दो पैसेंजर ज़्यादा ओवरलोडिंग की है तो आपको 2,000 रुपये देने पड़ेंगे, मतलब कि आपको प्रति पैसेंजर आपको कितना रुपये देना पड़ेगा, 1,000 रुपये फाइन के देने पड़ेंगे, अगर आपने क्या कर रखी है, पैसेंजर की ओवरलोडिंग, ठीक है। आगे हम बात करें 12 नंबर पे है दोस्तों, बिना परमिट गाड़ी चलाना। अगर आप बिना परमिट गाड़ी चला रहे हो, बिना परमिट के गाड़ी चला रहे हो, तो दोस्तों आपको क्या करना पड़ेगा, पहले जो राशि थी जुर्माने की, ये दोस्तों 5,000 रुपये थी, पहले कितनी थी, 5,000 रुपये थी, लेकिन अब उसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया है दोस्तों, 10,000 रुपये कर दिया गया है जुर्माने की राशि। किसमें, बिना परमिट आप गाड़ी चला रहे हो तो आपको 10,000 रुपये का फाइन देना पड़ सकता है दोस्तों, ठीक है। आगे हम बात करें 13 नंबर पे क्या है, दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग। दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग, तो आपको पहले जो राशि थी ये 100 रुपये थी दोस्तों, पहले राशि कितनी थी, 100 रुपये थी, लेकिन अब कितनी कर दी गई है, 2,000 रुपये, वह 3 माह लाइसेंस रद्द। दोस्तों दुपहिया वाहन मतलब बाइक हो गई, इस पे आप ओवरलोडिंग कर रहे हो, मतलब दो सवारी की जो आती है ये, अगर आप इसमें तीन सवारी, जैसे दो सवारी है, तो अगर दो से ज़्यादा आप सवारी बैठा रहे हो, तीन सवारी बैठा रहे हो, चार बैठा रहे हो, तो दोस्तों ये दुपहिया वाहन पर आपकी ओवरलोडिंग हो गई, ठीक है। अगर ओवरलोडिंग हो गई तो आपको अब कितने रुपये देना पड़ेगा, 2,000 रुपये देने पड़ेंगे फाइन के, और 3 माह आपका लाइसेंस क्या हो जाएगा, रद्द हो जाएगा। तो ध्यान रखना, दुपहिया वाहन पर ओवरलोडिंग कभी मत करना दोस्तों, दो से ज़्यादा सवारी मत बैठाना, ठीक है। आगे बात करें पॉइंट नंबर 14 है दोस्तों, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर। दोस्तों ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, और ये जो हमारे दिल्ली पुलिस ड्राइवर, जो ड्राइवर से संबंधित स्टूडेंट है, उनके लिए तो महत्वपूर्ण है ही दोस्तों, लेकिन जो गार्जियंस हैं और जो भी हैं, तो उनके लिए भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, देखिए, नाबालिग द्वारा गाड़ी चलाने पर पहले क्या था दोस्तों, ये फ़ाइन 0 रुपये था, पहले कोई फ़ाइन नहीं था। नाबालिग द्वारा अगर गाड़ी चला रहे हैं तो पहले कोई फ़ाइन नहीं था, लेकिन अब फाइन लगा दिया गया है दोस्तों।
अब क्या है दोस्तों, ध्यान से देखना, 25,000 रुपये, ठीक है, फाइन के कितने रुपए लग सकते हैं, 25,000 रुपये, 3 साल की सजा का प्रावधान है दोस्तों इसमें, वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द हो जाएगा। अगर आप नाबालिग द्वारा गाड़ी चलवा रहे हो या नाबालिग, किसी नाबालिग को आप गाड़ी दे दी, आपने बाइक दे दी या गाड़ी दे दी, तो क्या है दोस्तों, 25,000 रुपये आपका फाइन लगेगा, 3 साल की जेल हो सकती है, वाहन का रजिस्ट्रेशन रद्द हो सकता है, ठीक है, गाड़ी के मालिक तथा अभिभावक दोषी माने जाएंगे, ठीक है। ये चीज़ और ध्यान रखना दोस्तों, इसमें क्या होगा दोस्तों, इसमें गाड़ी का जो मालिक है, जिसकी गाड़ी है, जिसके नाम से रजिस्ट्रेशन है, वो और जो नाबालिग है उसके अभिभावक, ये दोनों दोषी माने जाएंगे दोस्तों, ठीक है। नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस नहीं, दोस्तों नाबालिग को 25 वर्ष की उम्र तक लाइसेंस नहीं मिलेगा दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप किसी नाबालिग को गाड़ी चलाने के लिए दे रहे हो तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे हम बात करें, 15 नंबर पे है दोस्तों, कैब एग्रीगेट्स वाहन लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन करने पर, कैब एग्रीगेट्स वाहन लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन करने पर, कैब एग्रीगेट्स मतलब दोस्तों ये जो ओला और उबर होते हैं ना दोस्तों, ओला और उबर हैं, तो ये क्या है दोस्तों, इनके लिए भी जुर्माना है दोस्तों। क्या है, अगर ये वाहन लाइसेंसिंग शर्तों का उल्लंघन करती है, कैब एग्रीगेट्स वाहन, तो ये अगर इन शर्तों का उल्लंघन करती है तो इनको जुर्माने का प्रावधान है, जो 1 सितंबर 2019 को नए जुर्माने का जो प्रावधान किया गया था, तो उसमें क्या है दोस्तों, 25,000 से 1,00,000 तक का क्या देना पड़ेगा, इनको जुर्माना देना पड़ेगा अगर ये शर्तों का उल्लंघन करते हैं तो, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने वाहन मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2019 की जो नए जुर्माने लगाए गए थे, संशोधन करके नए जुर्माने लगाए गए थे, उनका हमने विस्तार से जाना, इनको अच्छे से चर्चा की है। अगर दोस्तों जैसे आपको अगर ये लग रहा है, अनुभव हो रहा है कि वीडियो है वो स्लो है, आप धीरे बोल रहे हो या आप ज़्यादा बोल रहे हो, तो वीडियो का जो स्पीड है वो कम बत्ती आप कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे फिर मुलाकात होगी। और हाँ दोस्तों, ड्राइवर से संबंधित जितने भी टॉपिक्स हैं वो हम बारी बारी से हम इनको लेके आएंगे, आप चिंता ना करें, बराबर वीडियो आते रहेंगे। और इनके ड्राइवर संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे इनका वीडियो भी हम लेकर आएंगे, इनके इनसे संबंधित। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा वीडियो जो मैंने पढ़ाया था, और अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को लाइक करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों। मिलते हैं एक और नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।